नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे चैनल जेबी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अर्जुन लेकर के आते हैं अपनी पत्नी सुभद्रा को नगर में प्रवेश करने के लिए, तभी एक अग्नि रेखा प्रकट हो जाती है और ये अग्नि रेखा इस बात का प्रतीक है कि जो तपस्या 6 लोग मिलकर कर रहे हैं वो विफल नहीं होने देंगे। इस चीज का आश्वासन दिलाती है देवी द्रौपदी। उधर हम देखते हैं कि बलराम ने भी कह रखा है कि सारे प्रकरण में आप अर्जुन ये निश्चित कर लीजिए कि या तो आप हस्तिनापुर रह सकते हैं या तो आप द्वारिका में रह सकते हैं, लेकिन दोनों जगह पत्नियां अलग अलग होंगी या एक ही होगी वो आपके ऊपर छोड़। शकुनी मामा ने बलराम के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि जब देवी द्रौपदी का विवाह हुआ पांचों पांडव से तो उन्होंने एक वचन लिया था और वो वचन निभाने की कोशिश करेंगे पांचों पांडव। इसका तात्पर्य यह है कि सुभद्रा जो है वो इंद्रप्रस्थ नहीं जा सकती, आपको पर्यंत जीवन उनको यहां रखना पड़ेगा और कितना अपमान आपको सहना पड़ेगा ये आप सोच सकते हैं। अभी शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में ये देखना है कि जो लक्ष्मण रेखा क्रिएट हुई है देवी द्रौपदी के आक्रोश के कारण, क्योंकि देवी द्रौपदी अग्नि से जन्म ली है इसलिए उनके पास इतनी सबलता तो है ही कि वो अपने प्रण से अग्नि वो तो पैदा कर सके। डायरेक्टर है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत क्रिएटिव है। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 135 पार्ट 2। सुभद्रा स्नान जा रही है क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा, क्योंकि वो रेखा के अर्जुन को रोक रही है। देखते हैं सुभद्रा जा पाती है। अरे जीजी हमारा स्वागत करने नहीं आएंगी? सुभद्रा हम शायद नगर में ही ना प्रवेश कर पाए। सुभद्रा कहाँ जा रही हो? आपको क्षमा दिलवाने। देखते हैं अर्जुन जैसे फिर से एंट्री करने की कोशिश कर जल जाए तो अच्छा लगेगा। अर्जुन आएंगे ही नहीं अब, पहले सुभद्रा जाएंगे, कोशिश करेंगे। ये भेजा है आपके पास सुरक्षित रखने की प्रार्थना के साथ। क्या? किसने भेजा है? कहती है कि कोई ग्वालन है, द्वारिका से आई है। सुभद्रा ने कहलवाया है। ये भेजा है उस ग्वालन ने, कहा है कि आप इसे सुरक्षित रख सकती हैं। मयूर पंख और बांसुरी, बांसुरी है क्या है? दूसरा वाला तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वासुदेव श्री कृष्ण को भली भांति ज्ञात था कि क्रोधित तो होंगी देवी। महारानी से कहिएगा इस ग्वालन की विनती है, इस धरोहर को सुरक्षित रखिएगा। क्रोध शांत करने के लिए सारे गैजेट दे दिए हैं जो भी उनके प्रिय हैं। तुम अवश्य सुभद्रा हो? अच्छा मुलाकात भी नहीं हुई एक बार, अभी तक नहीं। प्रणिपात महारानी, जब हस्तिनापुर आएंगे तो विवाह नहीं होता ना?
मैं द्वारिका से चली तो भ्राता कृष्ण ने मुझे ये सारे उपहार दिए थे। मथुरा और वृंदावन से उन्होंने जो प्राप्त किया था वो सारे संस्मरण। भ्राता कृष्ण ने मुझे कहा था इन्हें अपने जीव से भी ज्यादा सुरक्षित रखना, किंतु महारानी मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन्हें अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। किस प्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे? तुम्हारे पति तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। वाह! वो जिस वस्तु को रक्षण प्रदान करते हैं उसे तो कभी हानि पहुंच ही नहीं सकती। क्षमा कीजिए महारानी, पर भ्राता कृष्ण ने कहा ये कोई राज्य की सीमा नहीं है जिसका रक्षण शस्त्रों से हो। स्मरणों को शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिए तो प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। और देखिए ना मेरे पति को, वो अपना दिया हुआ वचन ही भूल गए। तो इन अनमोल स्मृतियों का रक्षण किस प्रकार करेंगे? सुभद्रा, आर्य पुत्र अर्जुन मेरे भी पति हैं और उनका अपमान मैं सुन नहीं पाऊंगी। जो वचन उन्होंने मुझे दिया था वो मेरा प्रश्न है। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नहीं महारानी, उन्होंने जो वचन मुझे दिया था मैं तो उस बारे में बात कर रही थी। आर्य ने मुझसे कहा था कि इंद्रप्रस्थ में मेरा सबसे ऊंचा स्थान होगा और मेरी सत्ता सब पर चलेगी। ऐसा अर्जुन ने कहा? तुम्हें इंद्रप्रस्थ की महारानी बनने की इच्छा है? नहीं नहीं महारानी, महारानी के माथे पर तो 100 उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें कहां सब प्राप्त होता है। मैं तो इंद्रप्रस्थ की महारानी पर अपनी सत्ता चलाना चाहती हूँ और आर्य ने कहा था ऐसा अवश्य होगा। सत्य मत कहो सुभद्रा, मैं आर्य पुत्र अर्जुन को जानती हूं, इतना बड़ा प्रपंच वो नहीं सिखा सकते। ये अवश्य तुम्हें गोविंद ने सिखा कर भेजा। हाँ महारानी, राधा ने कहा था यदि क्रोध का कारण बनकर जा रही हो तो निवारण भी अपने साथ ही लेकर जाओ। राधा ने कहा था कि जहां सुदर्शन चक्र की सत्ता नहीं चलती वहां बांसुरी की सत्ता अवश्य चलती है। क्या बात है, इसको किस प्रकार छोड़ सकती हूँ। और कहा था यदि ग्वालन का हृदय लेकर जाओगे तो महारानी की महारानी बन पाओगे, ऐसा भ्राता श्री ने कहा था। महारानी बड़े क्रोध बड़े क्रोध में है देवी द्रौपदी, मनाने के लिए बहुत ही मासूम सा हृदय लेकर के आई हैं सुभद्रा, क्योंकि जानती हैं कहीं ना कहीं अपने शब्दों के जो बंधन हैं उनसे बंधे हुए हैं दोनों लोग, अर्जुन और देवी द्रौपदी। इस पूरे प्रकरण से ये लोग बाहर कैसे आएंगे ये देखने में थोड़ा सा आनंद तो आएगा, प्लस कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुछ निवारण भेज दिए हैं साथ, गुण भेज दिए हैं साथ,
कि थोड़ा सा उनका क्रोध शांत होगा इसको देख के। जहां सुदर्शन कार्य नहीं करेगा वहां बांसुरी अवश्य कार्य करेगी। और तो किस प्रकार से एपिसोड जो है इसी में निकल गया है। मैं वही कहना चाह रहा था, तो किस प्रकार से देवी द्रौपदी स्वीकार करेंगी, क्षमा कैसे करेंगी, ये देखने लायक होगा अगले एपिसोड में। फिलहाल यही से हम विदा लेते हैं। राधे राधे।